की आठवीं सबसे ऊंची चोटी, समुद्र तल से 8163 मीटर ऊंचाई, दूर तक फैली बर्फ की चादर, खून जमा देने वाली सर्द हवाएं, बाधा बनकर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय की मनासरु चोटी, जहां जाना मौत से पार पाना है। मनासरु पर मिली फतेह, मनासरु पर लहराया तिरंगा, झुक गई मनासरु, मिशन मनासरु। जी हम बात कर रहे हैं मिशन मनासरु की, दुनिया की वो चोटी जो कि अब तक पर्वतारोहियों से कुछ कुछ रूठी रही थी। मनासरु का मतलब होता है स्पिरिट, या यूं कहें कि ये चोटी पर्वतारोहियों का इम्तिहान लेती रही थी। 1955 में इसे पहली बार फतह किया गया था, लेकिन कोई भी भारतीय यहां तक नहीं पहुंचा था। कह सकते हैं कि इस चोटी पर पहुंचना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भारतीय सेना ने इस मिशन को लिया और इस चोटी को फतह किया। भले ही ये चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ना हो, भले ही मनासरु दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से 800 मीटर छोटी हो, लेकिन चढ़ाई के लिहाज से मनासरु सबसे खतरनाक चोटी है। इसे फतह करना आसान नहीं, यही वजह है कि मनासरु पर जीत हासिल करने का सपना हजारों पर्वतारोहियों ने देखा, लेकिन सफलता इनसे दूर ही रही। मनासरु फतह का मतलब क्या होता है, ये कोई उस पर्वतारोही से पूछे जो अपना मिशन अधूरा छोड़कर लौट आया है। 8163 मीटर ऊंचाई, इससे कहीं ज्यादा ऊंची है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इस चोटी पर चढ़ाई करना जैसे मौत को मात देना माना जाता है। आखिर क्यों दुनिया का हर देश इस चोटी पर फतह हासिल करना चाहता है, आखिर क्यों हर पर्वतारोही इस चोटी पर अपने देश का झंडा फहरा देना चाहता है, लेकिन जापानी मनासरु को जीतने के लिए कुछ भी करने पर उतावले दिखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर ब्रिटिश अपना अधिकार समझते थे, वैसे ही जापानी माउंट मनासरु पर जान छिड़कते रहे हैं। 5000 मीटर के बाद यहाँ सिर्फ बर्फ का साम्राज्य है, लेकिन यहाँ अक्सर मौसम अपनी करवट बदल लेता है। मौसम इतना खरा है कि आगे बढ़ना जैसे मौत को दावत देना है। दरअसल इस पूरे पर्वतीय इलाके में भारी बर्फबारी होती है, भयानक हिमपात की वजह से यहाँ रुक पाना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने जैसा है। साथ ही तूफानी बारिश की वजह से रास्ता काफी मुश्किलों भरा साबित होता है। आमतौर पर मनासरु चोटी पर सालाना 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, जी हाँ माउंट मनासरु पर 75 इंच बारिश होती है। इस चोटी पर चढ़ाई करना काफी जोखिम भरा माना जाता है, फिर भी मानसून से ठीक पहले अभियान की शुरुआत करना ठीक माना जाता है। ऊपर मौसम खराब हो उससे पहले पर्वतारोही इस सपने को पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जाड़ों की कपकपाती ठंड में कोशिश करना भी बेकार ही है। दरअसल 7500 मीटर के बाद असली दुश्वारियां शुरू होती हैं, और यहां से एक एक कदम आगे बढ़ने का मतलब मौत को खुद न्योता देना है। अगर बीते 3 साल के अभियानों की बात करें तो साफ हो जाएगा कि ये चोटी क्यों मौत की चोटी बन गई है। महज 3 साल में इसने 53 लोगों को लील लिया। 8000 मीटर ऊंची चोटियों में से खतरे के लिहाज से अन्नपूर्णा, नागा पर्वत और माउंट केटू के बाद चौथे स्थान पर रखा जाता है, लेकिन मौत की संख्या देखें तो ये चोटी इनसे कहीं आगे ठहरती है। लेकिन किसी की कड़ी मेहनत ने इस चोटी को झुकने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग पुनेठा, P7 न्यूज। वैसे जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले भारतीय सेना के जवानों ने मनासरु को जीत कर ही दम लिया। आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने मिशन मनासरु को कैसे अंजाम दिया, काठमांडू से लेकर मनासरु तक की जो दूरी थी वो कैसे पूरी की। I'm
बिल्कुल, लक्ष्य हर हाल में पाना था। भारतीय सेना का 15 सदस्यीय दल बस यही गुनगुना रहा था। सबकी नजरें बस 8163 मीटर ऊंची मनासलू चोटी पर टिकी थी। इस दल ने 8 मार्च को इस कठिन अभियान का आगाज किया। 24 मार्च को ये दल हवाई जहाज से दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। 25 मार्च को ये दल हवाई जहाज से दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। 25 से 29 मार्च के बीच इन सदस्यों ने जरूरी सामानों की खरीदारी की। इसके बाद 30 मार्च से 3 अप्रैल तक ये दल नेपाल के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहा। असली चुनौती यहाँ से शुरू होनी थी। 4 अप्रैल को ये दल सड़क के रास्ते अरुघाट के लिए रवाना हुआ और अगले दिन ये दल 4950 मीटर की ऊंचाई पर मनासलू बेस कैंप पहुंचा। यहीं से भारतीय सेना के मिशन मनासलू की असल शुरुआत हुई। सेना के जवानों ने कैंप तैयार किए, खुद को मौसम के मिजाज में ढालने की कोशिश की। 16 अप्रैल से 2 मई तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 से 4 मई तक बेस कैंप में आराम फरमाने के बाद ये जवान अपने मिशन के लिए निकल पड़े। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ फैली थी। हवाओं की रफ्तार ऐसी कि शरीर को छीन कर निकल जाए। इस मौसम में जवानों की सांसें कैसे फूल रही थी, ये आवाज इस बात की गवाही दे रही है। लेकिन हर बाधा को पार करते हुए जवान आगे बढ़ते जा रहे थे। बेस कैंप से 5 घंटे तक चढ़ाई करने के बाद ये दल 5800 मीटर की ऊंचाई पर कैंप फर्स्ट पहुंचा। ये वो जगह थी जहां बर्फीले तूफानों से सामना हो रहा था। सर्दी ऐसी कि इंसान का खून भी जम जाए। अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये दल कैंप 2 के लिए रवाना हुआ। कैंप 2 जहां जाना मौत को दावत देना था। मैंने देखा वह जो घसीटता हुआ सामान ला रहा था, वो कोई सामान नहीं था बल्कि एक डेड बॉडी था। जब मैंने उसके बारे में उनकी शर्पाओं से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ईरानी ग्रुप का एक मेंबर है जो पहले भी 2000 पिक 8000 कर चुके हैं, जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है। और वह समिट के में हेपो होने के कारण उसका मृत्यु हो गया। सुना आपने, इस पर चढ़ाई करना कितना भरा था। ईरानी मिशन का एक शख्स बीच में जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन भारतीय सेना के जवान पीछे हटने वाले नहीं थे। इनके हौसले के आगे पहाड़ भी झुक गए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो की तर्ज पर ये जवान किसी भी मुश्किल की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और भारतीय सेना की पहली टीम ने 9 मई को मनासलू पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद कैप्टन मनोज जोशी की बागडोर में पहुंची दूसरी टीम ने भी मिशन मनासलू पर जीत हासिल कर ली। इंडियन आर्मी का बीटिंग समिट कैंप समिट करने के बाद सभी मेंबर समिट के ऊपर एंड 3 शेरपाज ऑन समिट 404 पैक होना शुरू हो गया सर, जल्दी से एक्टिविटी करके निकलने की सोच रहे हैं वापस। हवा तो हल्की है लेकिन डार्क सा हो रहा है, वाइट आउट हो रहा है। और सब फिट है सर। बेस कैंप में हम पहुंचने के बाद वहां पे आगे के हायर कैंपों को खोला और हमारी फर्स्ट जो समिट टीम है वो 5 मई को निकली और सेकंड समिट टीम 6 तारीख को निकली। फर्स्ट समिट टीम ने 9 तारीख को समिट किया और हमारी जो सेकंड समिट टीम है उन्होंने 10 तारीख को समिट किया, जो कि हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण ही था। इस चुनौतीपूर्ण काम को हमने चुनौतीपूर्ण तरीके से किया और बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। चोटी पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। भारतीय सेना के जवानों ने वो कर दिखाया जो पिछले 55 सालों में किसी ने नहीं किया। भारतीय सेना के इस कारनामे के लिए P7 की ओर से उन्हें सलाम। अनुराग पुनेठा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। दरअसल 15 सदस्यीय टीम जब कर्नल अजय कोटियाल के नेतृत्व में पहुंची थी तो दो जिस तरह से सामना किया गया, जिस तरह से मुसीबतों से जूझा गया, ये आपको बताएंगे। और उस दल में एक शख्स बिना ऑक्सीजन के भी पहुंचा इस चोटी पर, ये बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखिए
अड्डे के बाद स्वागत है आप सभी का। तो भारतीय जवानों ने, भारतीय टीम ने मिशन मनासलू पूरा किया, लेकिन इस दौरान तमाम मुसीबतें आईं, चाहे वो स्नो ब्लिजार्ड हो, एवलांच हो या फिर पल पल बदलता मौसम। ये कतई आसान नहीं था। इस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जवानों ने ट्रेनिंग के दौरान भी कड़ी मशक्कत की थी। मन में जीत का गीत था और दिल में लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद। आखिरकार लक्ष्य पा ही लिया गया। ये उस भारतीय सेना का जज्बा था जो एक बार खुद से कमिटमेंट कर दे तो फिर किसी की नहीं सुनती। लक्ष्य हासिल करना ही उसका इकलौता मिशन होता है। यही वजह है कि साल 2011 में दुनिया ने कई बार है यही वजह है कि साल 2011 में दुनिया ने कई बार कोशिश की कि वो माउंट मनासलू को जीते। चार लोगों की जान गंवाने के बाद फ्रांस के एक दल को खाली हाथ लौटना पड़ा। ईरान के एक पर्वतारोही की जान चली गई। जिस चोटी को जापानी अपना कहते हैं वो चोटी भी उनकी न हुई और मनासलू ने उन्हें निराश ही किया। कोरिया का मिशन मनासलू भी सफल नहीं हो सका, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय दल ने जो करके दिखाया उसने एक बार फिर दिखाया कि बुलंद इरादों की जीत हमेशा होती है। मनासलू फतह करने के लिए किस्मत के अलावा बहुत कुछ चाहिए था, वो थे मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत। भारतीय दल ने मनासलू फतह के लिए कड़ी मेहनत की थी। सबसे बड़ी लड़ाई पर निकले थे भारतीय शूरवीर। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान को जीतने के बाद भारतीयों के हौसले आसमान छू रहे थे। ऐसे में मनासलू अभियान की शुरुआत होनी थी। मॉनसून अपना असर दिखाए उससे पहले इस चोटी को फतह कर लेना था और हुआ भी वही। चोटी पर झंडा मॉनसून आने से काफी पहले ही लहरा दिया गया, यानी मई में ही इस खतरनाक चोटी पर तिरंगा फहराया जा चुका था। आखिर भारतीय मनासलू को जीतने में क्यों कामयाब हो सके? वजह साफ थी। भारतीय दल इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची 6 चोटियों पर तिरंगा फहरा चुका था। गौर करने लायक बात यह है कि भारतीय दल ने यहाँ समिट के लिए जो तारीख तय की थी उससे काफी पहले ही काम को अंजाम दे दिया। इसके अलावा भारतीयों की कड़ी मेहनत भी रंग लाई। भारतीय दल ने गढ़वाल के कामेत में जमकर पसीना बहाया था। कामेत में कड़ी ट्रेनिंग के दौरान दल के सदस्यों ने हिमालयी इलाके को भली भांति जाना, साथ ही खुद को इतनी ऊंचाई पर सरवाइव करने लायक बनाया। कामेत में दल के सदस्यों को हाई ऑल्टीट्यूड पर कोई परेशानी न हो इसके लिए हर किस्म के सिंड्रोम को ध्यान में रखा गया। भारतीय सेना के जवानों ने हाई ऑल्टीट्यूड में नर्वस सिस्टम और पल्मोनरी यानी फेफड़ों की बीमारियां घेर लेती है और शरीर को कैसे दुरुस्त रखना है इस पर खास ट्रेनिंग दी गई। विशेषज्ञों के एक दल ने यहां भारतीयों को मिशन मनासलू के दौरान आने वाले हर खतरे को बारीकी से समझाया। यही वजह है कि भारतीय दल ने खतरनाक मिशन मनासलू पूरा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, T7 न्यूज। तो महीनों की मेहनत रही जब जाकर मनासलू को फतह कर पाई भारतीय सेना की टीम। आइए अब आपको शख्स से मिलवाते हैं जिसने मनासलू पर फतह पाने के साथ साथ एक और कारनामा कर दिखाया। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन भी दम तोड़ने लगती है, भारतीय सेना के जवान ने बिना ऑक्सीजन के इस मिशन को पूरा किया। मिशन मनासलू 8163 मीटर की ऊंचाई, ठंड से ठिठुरता शरीर, सर्दी से उखड़ती सांसें, तेज होती धड़कनी ऑक्सीजन ना के बराबर। ऐसे में भारतीय सेना के एक जवान नायक कुंचोक तेनपा बिना ऑक्सीजन के इस मिशन पर निकले थे। माउंट मनासलू एक्सपेडिशन के लिए मुझे सिलेक्शन किया गया था। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी एक इच्छा था इस पहाड़ पे अपने भारत का तिरंगा लहराना और भारतीय सेना का तिरंगा लहराना, साथ में वो भी मैं विदाउट ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से मैं भगवान से प्रार्थना किया, मुझे सफल हुआ। तेनपा का सफर इतना आसान नहीं था। पथरीले और बर्फीले रास्तों से चढ़ाई करते हुए तेनपा की सांसें फूलने लगी थी। 8000 फीट की ऊंचाई पर कदम रखने के साथ तेनपा का शरीर जवाब देने लगा था।
लेकिन तेंदुआ ने भी कुदरत को मात देने की ठानी थी। एक बार तो नौबत यहाँ तक आ गई कि तेंदुआ ने मिशन को बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया। तेंदुआ की सांसें दम तोड़ने लगी, लेकिन दिल में चोटी पर तिरंगा फहराने का जज्बा खुलकर सांस ले रहा था। तेंदुआ ने हिम्मत नहीं हारी। टीम के बाकी सदस्यों ने भी तेंदुआ का हौसला बढ़ाया और तेंदुआ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तेंदुआ ने बिना ऑक्सीजन के मनासलू पर फतह पा ली। कैंप थ्री से समिट के लिए जब हम गया रात को साढ़े बारह बजे और चलते चलते टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई रास्ते में मुझे दिक्कत हुआ, जैसे कि 8000 मीटर क्रॉस होने के बाद हम बोलते हैं डेड जोन, चलते सांस लेना मुश्किल, धड़कन भी तेज, और कहीं ऐसे समय आया कि मैं ऑक्सीजन यूज करूं। फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं बिना ऑक्सीजन से करूंगा। तो इसी सोच में समिट कैसे पहुंच गया मुझे पता ही नहीं लगा। जब समिट पहुंचा तो मैं बहुत खुश हुआ। आखिरकार तेंदुआ के हौसले के आगे मनासलू भी झुक गई। तेंदुआ ने चोटी पर अपनी जीत का तिरंगा लहरा दिया। बहरहाल नायक कुंचोक तेंदुआ ने साबित कर दिया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालू यारो। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जी हाँ, तो कुंचुक तेंदुआ ने ये कारनामा कर दिखाया, और जब ये टीम लौट कर आई तो उससे जो बातचीत में जो अनुभव हुए वो भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ठंड इतनी कि हड्डियों को कपा दे, -35 डिग्री टेम्परेचर रात में हो जाता था। तो दरअसल मिशन मनासलू के मुखिया रहे कर्नल अजय कोटियाल इस बारे में क्या कहते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन मनासलू, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो इतनी कठिन चोटी और इतना कठिन रास्ता, इसको पार करने के लिए टीम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है और लीडरशिप यानी कि नेतृत्व बहुत काम आता है। और इस मिशन के मुखिया थे अजय कोटियाल, कर्नल अजय कोटियाल। क्या कहना है अजय कोटियाल का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो 8163 मीटर ऊंची पीक है ये नेपाल में है और दुनिया की सबसे मुश्किल पीक मानी जाती है। इस पीक की खसूसियत यह है कि इसके इलाके में वेदर कंडीशंस कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। इस इलाके में लगातार अवलांचे जाते रहते हैं। इसकी समिट में जाने के लिए रास्ता इस तरीके से है कि बीच में बड़े खतरनाक बड़े क्रेवासेस हैं और आइसफॉल जिसे कि बर्फीली नदी बोलते हैं वो जगह जगह पर है। इसी कारण से आज दुनिया के जो फेमस माउंटेनियर्स हैं वो भी दो बार सोचने के बाद माउंट मनासलू में जाने का अपना मकसद बनाते हैं। जी हाँ, तो दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रेन भी माउंटेनियर्स हैं वहां पर जाने से यानी कि मनासलू जाने से पहले दो बार सोचते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ और सबसे खतरनाक चोटियां जिन पर चढ़ाई करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि मौत को बुलाना है। इनमें से ज्यादातर चोटियां इसी इलाके में यानी कि हिमालय के इसी इलाके में स्थित हैं। चढ़ाई के लिहाज से अन्नपूर्णा दुनिया की सबसे कठिन चोटी मानी जाती है। इस बात का अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। यहाँ 8 साल पहले पहली बार चढ़ाई की गई थी, तब से लेकर अब तक सिर्फ 125 लोग ही इस पर जीत हासिल कर पाए, यानी हर साल 2 लोग ही इस शिखर को चूम पाते हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की दर को देखते हुए पर्वतारोही इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी मानते हैं। खतरों की चोटी नंबर 2 है माउंट केटू। पर्वतारोही जहां अन्नपूर्णा की चुनौती को तोड़ देने का दंभ भरते हैं, तो तकनीकी रूप से सबसे कठिन चुनौती पेश करता है माउंट केटू। इस पर्वत के शिखर को चूमने के लिए सीधी यानी खड़ी चट्टानी चढ़ाई से पार पाना पड़ता है। दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है नगा पर्वत। इसके दक्षिणी हिस्से से आरोहण मुश्किल ही नहीं लगभग असंभव है। 15,000 की ऊंचाई पर स्थित रूपाल फेस को मैन ईटर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस रास्ते से जो भी जाता है वो सिर्फ जाता है आता नहीं। मौत का पहाड़ है कंचनजंगा। जी हाँ, कंचनजंगा पर मौत की दर 22% है।
पेटागोनिया की सबसे ऊंची चोटी फिट्ज़रॉय दशकों से अपनी खड़ी चढ़ाई के लिए चुनौती देता है। अमूमन फिट्ज़रॉय चोटी साल में बामुश्किल एक ही बार जीती गई, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 1500 लोग झंडा फहरा चुके हैं। इतना ही नहीं, एक ही दिन में एवरेस्ट के शिखर को 50 से ज्यादा लोग चूम चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जी हाँ, तो ये दुनिया की कुछ वो चोटियां जो कि बेहद कठिन मानी जाती हैं, यानी कि 8000 मीटर से ऊपर, और उसी में से एक है मनासलू। तो मिशन मनासलू में इतना ही, मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार।